लेकिन चंगीलाल का फूफा नाराज हो गया। फूफा लेकिन संभव है जो आशा आप हमसे रखते हैं। गांव के बाहर जो नदियां है, नदी निकली है, उस नदी में पानी की जगह दूध की धारा बहलवाना पड़ेगा। अभी नहीं आया खुद परिवार के बाहर भी स्क्रीन लगानी थी बेकार है। शाबाश बेटा, बहुत
बारात तो आएगी पर बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा, सब जवान चाहिए। लड़कों ने भी कहा कि बात ठीक है, बूढ़े करेंगे भी क्या, नांगन डांस तो हम लोगों को करना है। लड़कों ने शर्त मान ली कि एक भी बूढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन चंगीलाल का फूफा नाराज हो गया। फूफा जी बोले कि हम तो चलेंगे कुछ भी हो जाए। फूफा नाराज, किसी ने कहा कि वहां पर शर्त है, अगर पकड़े जाओगे तो शादी नहीं होगी, बड़ी मुश्किल से तो शादी हो रही है। फूफा बोला चाहे जैसे ले जाओ हम तो चलेंगे। तो किसी ने कहा कि भाई जब ज्यादा कह रहे हैं तो ले चलो। इन्होंने क्या किया कि बिलोरो कार में, जीप में, पहले फूफा को बैठा दिया, ऊपर से कपड़ा की पोटली धर दी ताकि फूफा दिखाई ना पड़े। जब भामा नावर होने लगेगी तब फूफा को निकालेंगे। बारात गई, गांव में पहुंची, बढ़िया स्वागत हुआ बारात का। जनवासे में पहुंची, बढ़िया पानी पिलाया गया, शरबत पिलाया गया, भोजन करवाया गया, बड़े आनंद के साथ स्वागत हुआ बारात का। बारात बैठी, लेकिन फिर दूसरी शर्त आ गई। लड़की के पिता ने फिर कहा कि सुनो, जितनी भी बारात आई है उनसे कह दो भावर बाद में पड़ेगी, गाँव के बाहर जो नदियां है, नदी निकली है, उस नदी में पानी की जगह दूध की धारा बहलवाना पड़ेगा। जितना पानी है दूध की धारा उतना हो तो ही भावर होगी, क्योंकि लड़की का पिता चाहता था शादी हो ही ना। अब बच्चे बोले सभापस में कि अब काय में शादी होगी, दूध की धारा और दूध तो ठीक है, पानी कहाँ जाए। लड़के बोले अब तो होनी ही नहीं, चलो घरे। एक बोला घरे चल ही रहे, फूफा जी कहाँ काय मारे ले रहे, अब जो कौन फूफा दिखा रहा हो तो कहते हैं। बाकी लड़के बोले फूफा जी यहाँ क्यों मारे ले रहे, फूफा जी को और निकालो। पोटली हटाई, फूफा जी निकले। फूफा जी बोले क्या हुआ, बोले बारात कैंसल हो गई। लड़के फूफा जी बोले किस कारण से, बोले किसी कारण से नहीं हुई, शर्त रख दी। क्या शर्त रखी, बोले शर्त रख दी कि जो गांव के बाहर नदी है उसमें दूध की धारा बहवाई जाए। तो फूफा जी भी बूढ़े आदमी, अनुभव बहुत पुराना होता है। अरे बोले इतनी छोटी बात पे बारात वापस ले जा रहे, रुक जा, बुलाओ जोन संदेशा भेजे। लड़के सब चौंक गए कि अब इसमें भी क्या उपाय है। एक संदेश बाहर आया, फूफा जी ने कहा सुनो जाकर लड़की के पिता से कह देना दूध का इंतजाम हो गया है, इतना इंतजाम हो गया है कि तुम्हारे गाँव में बाढ़ आ जाएगी, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, पहले नदी का पानी खाली करवा दो। हमारी भी एक शर्त है। और जैसे ही संदेश वाहक ने वहां लड़की के पिता से कहा कि दूध का इंतजाम हो गया फुल, बस उनकी भी शर्त है कि पहले पानी कम करवाओ, पानी हटवाओ। तो लड़की का पिता बोला देख के आओ जरा, कहीं बूढ़ा आदमी तो नहीं है बारात में, क्योंकि क्योंकि ये उपाय जवानों के पास हो ही नहीं सकते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए वृद्धों का सम्मान सदैव करना चाहिए, बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। और हनुमान जी ने भी यही किया, हनुमान जी ने बात मानी जामवंत जी की, हनुमान जी राम काज के लिए खड़े भए। और आज की कथा का सूत्र है काम का बंदर नहीं राम जी का बंदर बनो। किसका बंदर बनो, जोर से बोलो। साधु भाई खेती करो हरि नाम की। एक बहुत प्यारा गीत है, और राम जी का बंदर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, सुनो। साधु भाई खेती करो राम नाम की,